ऑटो बुक करके आ गए थे दोस्तों। अभी बस फटाफट जाना है रोना है। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों देखो, एक नया व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, आज दोस्तों घर पे पूजा है तो बस उसी का व्लॉग बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते दोस्तों आज का व्लॉग। मतलब मम्मी की पूजा है दोस्तों हरितालिका की, तो उसी का ही व्लॉग रहेगा। और गणपति पापा को लाने भी जाना है। कल बुक किया, आपने व्लॉग देखा दोस्तों, काफी सही सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करो दोस्तों और इंटरेस्टिंग व्लॉग लाऊंगा। और इंस्टाग्राम पे नई सीरीज स्टार्ट की है, तो नहीं देखी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी की पूजा, फुल लाइटिंग वगैरह और प्रॉपर डेकोरेशन देख लो दोस्तों। मतलब बप्पा का डेकोरेशन है, आज मम्मी को काम था इसीलिए मम्मी भी यूज कर लेती है। तो देखो काफी सही डेकोरेशन है। और एक चीज मिसिंग है फिर भी दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से पावर लाइट लगाना है एक दोस्तों, ताकि जो पीछे वाले जो कपड़े लगाए हैं हमने वो अचानक से कलर बदल देते हैं। जैसे लाइट का कलर बदला, वैसे यहाँ पे दोस्तों जो जो कपड़े लगाए कलर वाले उसका कलर बदल जाता है। तो काफी सही है ये। और आज दोस्तों थोड़ा लेट ही हो गया व्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि सुबह से दोस्तों एडिटिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया था। इंस्टाग्राम पे सीरीज स्टार्ट की, उसका भी बहुत ज्यादा वर्कलोड था, तो वो पूरा कंप्लीट कर लिया है आज। तो देखो पीछे पूजा और काफी सही लग रहा है दोस्तों। कल थोड़े से इसमें और डेकोरेशन के मतलब लाइट्स वगैरह लगाना है, उसके बाद गणपति बप्पा की स्थापना होगी दोस्तों। कल उसका भी पूरा व्लॉग बनाऊंगा मैं। तो पुत्र शोक होतो का आणि केल्यावर सुवासिन्ना येता शक्ती वान द्यावे, दुसऱ्या दिवशी उत्तर पूजा करावी आणि व्रताचं विसर्जन करावे। ही साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तर देवा ब्राह्मणाचे द्वारी गायीची रोटी पिंपळाचे पाणी सुपड संपूर्ण। दोस्तों देखो अभी शाम हो चुकी है और मतलब 7 तो बज गए, और अभी दोस्तों जा रहे हैं गणपति बप्पा को लाने। तो चलो चलते हैं। और एक भैया साथ में आ रहे हैं, उनका गणपति लेना है दोस्तों, बड़े मम्मी के घर का गणपति लेना है अभी, तो वो भी दिखाऊंगा ही। और हमारा गणपति लाना है दोस्तों, तो उसका भी व्लॉग बनाऊंगा ही। तो चलो चलते हैं फटाफट दोस्तों। आज का व्लॉग लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट चलते हैं, मम्मी को तो उपवास है दोस्तों, क्योंकि हरतालिका का उपवास रहता है, दिन भर का कुछ नहीं खाते है, तो बस उसी का उपवास है। तो मम्मी यही रहेगी और अब भैया और मैं जाएंगे दोस्तों गणपति बप्पा लाने। तो चलो चलते हैं फटाफट। और दोस्तों आज के व्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलो बच गए हम, तो फटाफट चलते हैं दोस्तों अभी वही मार्केट में। कल गणपति बप्पा बुक करके आ गए थे दोस्तों, अभी बस फटाफट जाना है लेना। और सामने से भैया भी छूटने वाले हैं, तो देखो भैया वगैरह भी जुड़ चुके हैं अपने साथ दोस्तों। तो बस अभी जाना है फटाफट बप्पा को लेने दोस्तों, भैया को भी गणपति देखना है, तो फटाफट गणपति वगैरह सब देख लेते हैं और फटाक से चलते हैं। आज देखो मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है, कल आपने देखा दोस्तों कि थोड़ी भीड़ कम थी क्योंकि दो दिन बाकी थे। अभी देखो कल गणपति बैठने वाले हैं और अभी आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो चलो अपने बापा सही सलामत देके देख लेते हैं वहां पे, और फिर फटाफट
लेके चलते हैं दोस्तों। बहुत सी वैरायटी आज भी आ चुकी है मार्केट में। तो देखो अपने पापा फुल मतलब दोस्तों रेडी है अभी लेके जाने के लिए। और देखो यही भैया है, इन्हीं के शॉप से लिया दोस्तों। तो चलो अभी फटाफट भैया आएगा, गाड़ी वगैरह लाएंगे। और फाइनली गणपी पापा निकल चुके हैं घर पे आने के लिए। देखो भैया ने फिलहाल उठाया दोस्तों, अभी बस गाड़ी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत से गणपति पापा आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो उचित रहा दोस्तों कल ही बुक कर लिया। तो देखो यहाँ पे गणपति पापा को लेके जा रहे हैं दोस्तों, बाइक पे ही लेके जा रहे हैं। हाँ भैया पीछे बैठा है गणपति पापा को लेके, आपने देखा ही, वहां से लेके आए हैं। अभी बस बीच रास्ते में घर की ओर जा रहे हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं दोस्तों, मम्मी घर पे इंतजार कर रही है ताकि पूजा वगैरह करेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं, रात के 10:15 बज चुके हैं और मार्केट में का पूरा मतलब जो रश है वो खत्म हो चुका है, मतलब है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, इसीलिए अच्छे से लेके जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों फटाफट, गणपति बप्पा मोरिया। तो फाइनली गणपति पापा घर पे आ चुके हैं। मम्मी कैसा लग रहा है गणपति पापा आए तो? तो दोस्तों गणपति पापा फाइनली आ गए। हाँ थोड़ी तकलीफ हो रही थी आते समय, लेकिन सब डन कंफर्म दोस्तों, फुल आ गए घर पे और फुल सेफली आए, कुछ नहीं हुआ। और अभी कल दोस्तों गणपति दोस्तों स्थापने का व्लॉग देखने मिलेगा। अभी देखो मम्मी की पूजा चल ही रही है यहाँ पे और मम्मी जाग रही है दोस्तों, मतलब थोड़ा रात तक जागना पड़ता है आज के दिन, इसलिए जाग रही है। और व्रत है और कुछ भी नहीं खाया सुबह से, थोड़े फल वगैरह हुई बाकी कुछ नहीं। तो चलो ये देखो ये भी पूजा है, ये पूजा कल विसर्जन हो जाएगा इसका, और फिर इसी जगह गणपति बप्पा विराजमान हो गए दोस्तों। थोड़ा डेकोरेशन में एडिशनल चीजें लगने वाली है वो तो बताएंगे। तो चलो दोस्तों अभी बहुत साइड रीडिंग का काम है, फटाफट करते हैं, सबसे पहले खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि अभी आए। देखो बहुत देर हो गई पूजा वगैरह की, गणपति बप्पा सही जगह पे रख दी है। अभी फिलहाल तो ढके हुए है, नहीं दिखा सकता आपको, वैसे दिखा देता हूँ दोस्तों ढके हुए, लेकिन ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं वो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कपड़ा वगैरह लगा के लाया है दोस्तों। फिलहाल नहीं खोलते हैं कपड़ा, कल सुबह खोलेंगे जब स्थापना होगी तब। तो चलो आपको एक झलक दिखा देता हूँ फिर भी गणपति बप्पा की। दोस्तों देखो गणपति बप्पा यहाँ पे है और फिलहाल ढके हुए है इसलिए ज्यादा कुछ दिखाते नहीं है। तो चलो अभी फटाफट दोस्तों खाना वगैरह खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपको, बहुत ज्यादा मतलब ड्रेन आउट हो गया, बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो पहले सबसे पहले खाना वगैरह खा लेता हूँ दोस्तों।